सी वेक्टर जो है ए बी का रिजल्टेंट वेक्टर है, सी जो है ग्रेटर देन ए होगा, सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे सी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यदि उसके ऊपर एरो नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब मैग्नीट्यूड है, मोड लगा देते हैं उसका मतलब ही मैग्नीट्यूड है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी, ग्रेटर देन ए प्लस बी, ये कोई वेक्टर है ए से बड़ा है, ये सी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा जो है बी वेक्टर है। जो सी है ए से भी छोटा बी से भी छोटा है, तो इसका मतलब गलत है, सी इज ग्रेटर देन ए होगा, ऑलवेज ए होगा वो पॉसिबल ही नहीं है। सी जो है जैसे एक वेक्टर जो है 100 है, दूसरा वेक्टर जो है ये 100 है, दूसरा वेक्टर जो है 10 है या 90 है, तो सी वेक्टर किसके बराबर होगा, 100 माइनस 90 डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस आई क्या माइनस 10 के बराबर होगा। पर मैग्नीट्यूड में देखें ये जो सी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो कितना है, 10 है, ये नंबर से भी कम है 100 से भी कम है, दोनों सी का जो है सी इट इज पॉसिबल टू हैव, पॉसिबिलिटी है क्या, सपोज सी वेक्टर जो है 10 है तो ए वेक्टर 3 हो सकता है, बी वेक्टर 5 हो सकता है, सॉरी 7 हो सकता है, या ये वेक्टर जो है 4 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है कि जो सी वेक्टर है, अच्छा सी वेक्टर तो बड़ा होगा इस केस में, सी वेक्टर जो है दोनों से छोटा हो, ये प्रूव करना था, ये वाला केस था, जो सी वेक्टर था वो 90 ए से भी छोटा था बी से भी छोटा था, ये पॉसिबिलिटी है सी जो है दोनों से ही छोटा हो, सी ऑलवेज ग्रेटर देन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कि सी जो है 10 है तो ए और बी जो है 90 और 100 हो सकते हैं, दोनों छोटे भी हो सकते हैं, ये चीज़ मैंने बताई, दोनों छोटे भी हो सकते हैं, सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी, सी जो है इस वाले केस में है लीनियर वेक्टर्स हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में इक्वल टू ए बी होगा, ये कब होगा जब एंगल दोनों के बीच में क्या है जीरो हो तब होगा, अदरवाइज कभी नहीं होगा, एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, सी वेक्टर जो है इन दोनों के जोड़ से कम है, ट्रायंगल बनाएंगे तो दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होगा ज्यादा होगा, ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन सी होगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगी, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तभी पॉसिबल है ए प्लस बी जो है सी से ज्यादा हो, इक्वल एक ही केस में हो सकता है जब एंगल हमारा जीरो, ऑलवेज वर्ड यूज कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, सी इज नेवर इक्वल टू ए बी, ये भी गलत है क्योंकि जब एंगल जीरो है तब इक्वल हो सकता है तो ये भी रॉन्ग है, तो जो सी है पॉसिबिलिटी है सी जो है ए से छोटा हो बी से छोटा हो, सी जो है किसी एक के इक्वल हो या दोनों के इक्वल हो, जब एंगल 60 डिग्री हो जाए दोनों के बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए 120 डिग्री एंगल हो जाए तो तीनों इक्वल हो सकते हैं, ए और बी इक्वल हो उनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो तो वो सी के बराबर हो सकते हैं और दोनों ही बड़े भी हो सकते हैं, सी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ये भी कोई जरूरी नहीं है, तो आंसर चॉइस केवल बी बनेगी।